दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल केक मंत्री पर। और थंबनेल आपने देख लिया होगा कि इसमें हम देखेंगे कि आप अपना 10 नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली 10 नंबर का रिक्वायरमेंट तब होता है जब आपको किसी का TDS डिडक्ट करना हो। सपोज अभी 194S क्रिप्टो में जैसा कि आ गया है कि आपको TDS डिडक्ट करना रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए आप 10 नंबर आपको चाहिए। यानी आप जब भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे क्रिप्टो का ट्रेड करते हो या बाइनेंस पे P2P करते हो या कहीं भी वो ही या क्यू क्वाइन कहीं भी P2P करते हो तो 1% TDS डिडक्ट करना रिक्वायर्ड है बाई पे जो आपसे सेल कर रहा है उसका। आप जिससे भी बाई कर रहे हो आपसे जो सेल कर रहा है उसका 1% TDS आपको काटना पड़ेगा। उसका पैन नंबर लेके अपने इनकम टैक्स के साइट पे जाकर वहाँ से आप डिडक्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपना 10 नंबर कैसे अप्लाई करें। एक्चुअली मैं इस पर वीडियो पहले ही बनाने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरा जब अलॉट हो जाता है तो फुल डिटेल्स वीडियो बना दूंगा फुल प्रूफ के साथ। तो ये सिंगल वीडियो आप वॉच कर लेते हो तो आप अपना इजीली 10 नंबर अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या इशू आएगा सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा और कैसे आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाना है, वहाँ पे आपको ऐसा एक लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करिएगा आप 10 नंबर अप्लाइंग के साइट पर चले जाइएगा। देन आपको आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कैटेगरी में इंडिविजुअल चूज कर लेना है और ये वीडियो इंडिविजुअल पर ही है, तो चलिए यहाँ पर ये वाला चूज कर लेते हैं। देन आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है यहाँ पर, और देखिए ऐसा आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर होता है एरिया कोड, ईओ कोड, रेंज कोड। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको सिंपली क्लिक हियर पे करना है यहाँ क्लिक, और यहाँ पे नीचे जाइएगा तो आपका जिस नेम से आप अपना सिटी सर्च कर लेना, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो जिस ज़िले में हो आप वहाँ का पहले नेम सर्च कर लेना। सपोज मैं गोपालगंज का सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको गोपालगंज नहीं दिखेगा। तो आपको आपको यदि आपका नियर बाई कोई डिस्ट्रिक्ट भी दिख जाता है, सपोज मेरे पास सिवान है तो सिवान भी देखता हूँ, सिवान भी नहीं है यहाँ पे। तो आपको करना कि आप अपना कैपिटल भी चूज कर सकते हो, जैसे मेरा पटना हो गया तो मैं यहाँ पे P चूज करता हूँ, देखते हैं पटना देता है कि नहीं। तो चलिए आप ऐसे चूज कर सकते हो। बहुत लोगों का क्यूरी रहता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट शो नहीं कर रहा है, तो आप अपना ऐसे स्टेप वाइज इंक्रीज करके चूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन आपके स्टेट का होना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं पटना चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप कोई भी चूज कर सकते हो जो आप चाहो। तो चलिए मैं ये सेकेंड वाला चूज करके सबमिट करता हूँ, ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। समझ गए, यदि आपका डिस्ट्रिक्ट शो नहीं करता है तो आप ऐसे कर सकते हो। नियर बाई डिस्ट्रिक्ट देखो वो ही शो नहीं करता है, तो आप अपना कैपिटल चूज कर सकते हो। देन आपको नीचे आइए, अब यहाँ पर ये सारा चीज़ हाइड हो जाएगा आपका, वो रिक्वायर्ड नहीं है इंडिविजुअल में। देन आपको यहाँ पर चूज करना है, देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल वाला चूज कर लेना है। देन यहाँ पर आप जो हो आप यहाँ चूज कर लेना जेंडर वाइज, और यहाँ पे सबसे पहले लास्ट नेम चूज करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे लास्ट नेम इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको अपना नेम चूज करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पे सेकंड वाले पे फर्स्ट नेम है, तो यहाँ ये चूज कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आता है यहाँ पे आपका एड्रेस का आता है, तो एड्रेस वाले में जैसे आपका एड्रेस वो फिलअप कर लेना। चलिए मैं ये फिलअप कर देता हूँ ऐसे ही। तो दोस्तों ऐसे आप अपना एड्रेस चूज कर सकते हो, और नीचे अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो जो रेट से मार्क है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको फिल करना कंपलसरी है, और जो भी ईमेल आईडी डालोगे आपका कम्युनिकेशन जो भी होगा आपको उसी पे जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको आगे क्या क्या आता है ईमेल पे। तो चलिए यहाँ पे ये जो रिक्वायर्ड हमने चूज कर लिया, एड्रेस प्रॉपर फिल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है कि नेशनलिटी का है, तो यहाँ पे आप, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर कर देना है, और देन इस वाले में आपको अपना नेम और इसमें सेल्फ डाल दीजिएगा। और चलिए अब नीचे देखते हैं कि, और GST नंबर तो आपको पास है नहीं, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको नीचे नेट बैंकिंग वाला पेमेंट का ऑप्शन चूज करना है। आपको 65 रुपीज़ पे करना रहता है, उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करिएगा देखिए कैसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। देन आपको ये कैप्चा इंटर करना रहता है, तो चलिए कैप्चा इंटर कर देते हैं 73, और फिर से सबमिट करना है आपको, कंफर्म करना है। और जैसे ही कंफर्म करते हैं देखिए यहाँ पे आ जाता है पेमेंट मेथड का, तो ये एग्री कर लेना आपको, और एग्री करके जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपको ऑप्शन सारे शो हो जाएंगे। आप जिस मोड में पेमेंट करना चाहो, और आपको UPI से सपोज पेमेंट करना है तो UPI यहाँ पे चूज करना है, और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर अपना UPI नंबर डालिएगा, जो भी UPI नंबर डालिएगा सपोज उस पर आपको एक रिक्वेस्ट जाएगा पेमेंट का 65 रुपीज़ का, और उसके बाद वहाँ से वो आप पेमेंट अप्रूव कर देते हो तो आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट चला गया है, और जो मेरा UPI है उस पर ये नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आप यहाँ पे पेमेंट करिए 65 रुपीज़ का। तो ये मैं जैसे ही पेमेंट यहाँ से अप्रूव करता हूँ तो ये 65 रुपीज़ मेरे अकाउंट से कट जाएगा, और वहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाएगा।
और जैसे ही पेमेंट कंफर्म होता है थोड़ा टाइम आपको वेट करना रहता है, वहाँ पे आपका एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको 1 मिनट वेट करना पड़ सकता है, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कैंसिल या बैक मत करिएगा यहाँ पे। और जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसको कुरियर करना रहता है। और दोस्तों जो आपका एक्नॉलेजमेंट रहेगा देखिए ऐसा रहता है वो 10 का एप्लीकेशन का, तो सिंपली इसी को आपको कुरियर करना रहता है। और कुरियर कहाँ करना है देखिए इस पर एड्रेस मेंशन रहता है कि किस एड्रेस पर आपको, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोटीन ई GOV लिमिटेड 5th फ्लोर, इस वाले एड्रेस पे। ये पूरा एड्रेस आप मेंशन कर दीजिएगा 2 में अपना जो भी आप, और SP पोस्ट से ये कुरियर करिएगा, अपना नेम वहाँ पे इंटर कर दिया। और उस पर ये जरूर मेंशन करिएगा कि एप्लीकेशन फॉर 10, और उसके बाद ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है यहाँ पे आपको दिख जाएगा रहता है, वो आपको ज़रूर से फिलअप करना है। ये उसके ऊपर ही फिलअप करना रहता है जो आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और उसके बाद इस एड्रेस पर आपको कुरियर कर देना है। और सिग्नेचर सिंपली इसी पे करना है, इसके अंदर ही आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, और इसके साथ अपना पैन नंबर का जीरोक्स और आधार कार्ड का जीरोक्स लगा सकते हो। और वो लगाकर ये तीनों आप जैसे ही सेंड कर दोगे स्पीड पोस्ट से और वहाँ पे डिलीवर हो जाता है तो आपको ईमेल आ जाएगा। और जो आपका डॉक्यूमेंट से डिलीवर होने के बाद आप देखिए आपको ऐसा मेल आ जाएगा उनके तरफ से कि आपका जो है ये डिलीवर हो गया। देन आपको उसके 3 से 4 डेज़ बाद आपका जो 10 नंबर है अलॉट हो जाएगा, और नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो जाकर आप अपना डाउनलोड कर सकते हो 10 नंबर। और उसके बाद आप जिसका भी TDS डिडक्ट करना चाहो इजीली डिडक्ट कर सकते हो अपने 10 नंबर से। तो थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए, उम्मीद है कि मैंने सारा चीज़ इसमें कवर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो P2P करते हैं या उनको 10 का रिक्वायर्ड है 10 नंबर का, तो ऐसे इजीली ऑनलाइन कर सकते हो। सिंपली इसमें ये रहता है कि आपको अप्लाई करके वो डॉक्यूमेंट्स SP पोर्ट से सेंड करना रहता है। अदर मेथड भी वहाँ पे था लेकिन उसमें साइन करना रहता है, वो डिजिटल सिग्नेचर वाला रहता है जो कि मैंने नहीं कवर किया है, सिंपली 1 वाला कवर किया है। तो ये भी ईजी है, आप सिंपली नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाना और वहाँ से स्पीड पोस्ट उस एड्रेस पे कर देना, हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ओके थैंक्स।